स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के केस। तो केस वन में हमने बात की थी h प्राइम इज जीरो बिफोर टाइम t एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज कांस्टेंट, कि जो परटर्बेशन टर्म है वो टाइम से पहले जीरो है और आफ्टर सम टाइम t तो वो कांस्टेंट होगी। तो उसमें हमने लास्ट इक्वेशन ये ड्राइव की थी a के of t is equal to h prime k I over e k 0 minus e I 0 into 1 minus e power iota h dot e k 0 minus e I 0 t। इसको नाम दिया था किसी equations का, तो अपने पास देख लें जो भी equations थी, तो मैं इसको यहाँ पर equations a का नाम दे दे, आप लोग अपने हिसाब से नाम दें। उसके बाद सेकंड equations हमारे पास ये आ रही थी, तो इसको equations b का नाम, यहाँ तक तो हमने अपने previous lecture में डिफाइन किया था। अब ये वाली जो टर्म है तो e i 0 plus h i i prime, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, जो सिस्टम है तो इस सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट। अब इसमें जो टर्म है h i i prime, तो इसे हम ये बोलेंगे h i i prime को ये बोलेंगे कि ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ द परटर्बिंग टर्म। जो सिस्टम हम लिखते थे तो उसमें ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है परटर्बड टर्म जो थी, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ परटर्बड टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन सिस्टम, जो हैमिल्टोनियन सिस्टम था तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और ए के ऑफ टी स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेट साई आई इज ऑक्युपाइड एट टाइम टी। तो अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के लिए हम इससे पहले ऐसे लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई, तो उसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसके साथ हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा है, ए के टी इंटू ए के और इसी का साथ कंप्लेक्स कंजुगेट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ए के ऑफ टी और इसका यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, इसको नाम दें इक्वेशन सी। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ए के ऑफ टी की तो वैल्यू हमें गिवन है, हमें वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, इसका कंप्लेक्स कंजुगेट की, तो इसी का कंप्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो इसको ए के ऑफ टी स्टेरिक की फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू एच प्राइम के आई अवर ई के जीरो ई के पावर जीरो माइनस ई आई जीरो वन माइनस ई पावर। देखें इसमें जब भी स्टेरिक लेंगे जो कॉम्प्लेक्स टर्म होगी तो उसके साथ, जैसे यहां पर आयोटा है तो माइनस होगा, और टर्म इसी तरीके से लिखेंगे माइनस आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो इंटू टी, इसको नाम दें इक्वेशंस डी। अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू हमने कोट कर देनी है इक्वेशन सी में, ये हमारे पास इक्वेशन सी है, इसको कहें यार ये दोनों सेम है, तो ये वैल्यू किसकी, ए के स्टेरिक की और ए के जो है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन सी में। नाउ पुटिंग्स वैल्यू इन इक्वेशंस सी फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड इक्वेशंस कौन सी है डी, अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो इक्वेशंस सी जो है, तो इक्वेशन सी इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू ए के ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू एच प्राइम के आई अवर ई के जीरो माइनस ई आई जीरो वन माइनस ई पावर आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो ऑफ टी इंटू स्टेरिक वाली टर्म
एच प्राइम के आई और ई के माइनस ई आई जीरो, वन माइनस ई, तो इसके साथ माइनस आएगा, माइनस आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो टी। नाउ द प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू, यहां पर एच प्राइमरी क्रम देखें तो दोनों सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एच प्राइम के आई ओवर ई के जीरो माइनस ई आई जीरो इसका स्क्वायर, बाकी ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इनको ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वन माइनस ई पावर आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो टी इंटू वन माइनस ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो टी। नाउ द प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई ओवर ई के जीरो माइनस ई आई जीरो इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, वन को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो, फिर अब इसको माइनस इस टर्म को वन के साथ, तो माइनस ई पावर आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो इंटू इसके साथ भी टी है इंटू टी माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लें, ई पावर आयोटा ओवर एच कट, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें यहां से डायरेक्ट करते हैं, आयोटा ओवर एच कट दोनों में क्या है कॉमन ले लिया आयोटा ओवर एच कट, तो इन साइड जो रहेगा आयोटा ओवर एच, आसान तरीका ये है कि ये होल्ड आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो होल्ड कॉमन ले लें, जब ये सारा कॉमन लेंगे तो ई के जीरो माइनस ई आई जीरो इंटू टी कॉमन ले लिया, यहां पर क्या था वन और यहां पर जो रह जाएगा तो माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये होल टर्म ई पावर जीरो क्या बन जाएगी ई पावर जीरो वन, वन प्लस वन टू। प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई अवर ई के जीरो माइनस ई आई जीरो स्क्वायर, सात वन प्लस वन टू आएगा और इसमें से जो माइनस आ रहा है उस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो यहां से ऐसे कह लें कि माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस टू था ये माइनस टू बन जाएगा, तो इसको पहले प्लस वाली टर्म ये वाली ऐसे लिख लें ई पावर आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो टी प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो माइनस ई आई जीरो टी और साथ माइनस टू, प्लस टू था तो माइनस टू, ये माइनस जो है कॉमन लिया था, यहां पर याद रखें माइनस जो था कॉमन लिए हुआ था, इसी इक्वेशंस को मैं फोर के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, माइनस फोर के साथ यहां पर माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस फोर के साथ डिवाइड भी कर लिया, माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई भी और माइनस फोर के साथ डिवाइड भी। नाउ द प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू ये फोर जो था तो जब यहां पर इसके साथ लिखेंगे टू एच प्राइम के आई अवर ई के जीरो माइनस ई आई जीरो स्क्वायर, अब ये देखें अगर आयोटा को रहने दें, आयोटा को इसी तरीके से एच कट को यहां पर लिख लें, ये एच कट यहां पर लिख लें,
तो ये e पावर आयोटा थीटा बन रहा है प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा, ये e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। इसको अपने पास लिख लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू, ये डिवाइडेड बाय माइनस फोर, ये हमारे पास क्या बनेगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहां पर इसका फॉर्मूला पुट कर लेता हूं, तो साइन स्क्वायर इस एक चीज और याद रखें, ये e पावर 2 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, तो अब जब फॉर्मूला पुट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर, अब e पावर आयोटा थीटा था तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर आयोटा की जगह पर थीटा की जगह पर क्या है e के 0, तो ये क्या बन जाएगा e के 0 माइनस ई आई 0 और 2 तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर क्या बनेगा ये 2 बन जाएगा e के 0 डिवाइडेड बाय और साथ h कट 2 h कट इनटू साथ t। अब ये वाली इक्वेशंस जो है तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है किसे, प्रोबेबिलिटी को, सो इसे हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए के ऑफ टी होल स्क्वायर, इसको नाम दें इक्वेशंस डी और इसको इक्वेशंस ई का नाम देंगे। अब इस इक्वेशंस में हम ये कहेंगे दिस प्रोबेबिलिटी ऑसिलेट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/2 ओमेगा के आई, किस वजह से, क्योंकि ओमेगा के आई किसके इक्वल है, ओमेगा के आई इज इक्वल टू, ओमेगा के आई इज इक्वल टू ई के अब 0 माइनस ई आई अब 0 डिवाइडेड बाय एच कट के इक्वल है, बट इट्स इफेक्ट इज अप्रिशिएबल ओनली फॉर के वैल्यू नियर टू आई, इन दैट केस एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अब इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हम ऐसे लिखेंगे पी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के ऑफ टी और इसका साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रो ई और इसके साथ ये डी ई होगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी वैल्यू तो हमने रो ए के ऑफ टी होल स्क्वायर इसकी वैल्यू ये फाइंड की हुई है, तो ये वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये पुट कर लें तो पी इज इक्वल टू, एक और चीज कि इसमें हम लेट करेंगे e k of 0 minus e i of 0 is equal to x square के equal है, यहां पर ये x बन जाएगा और यहां पर ये x होगा, तो ये वाली वैल्यू अब इस equations में पुट करेंगे तो ये equations बन जाएगी probability is equal to minus infinity to infinity a k of t की वैल्यू 2h prime k i over x, ये x पुट करना है और इसके साथ square sin square, sin square इसकी जगह पर e k of 0 minus e i of 0 तो sin square over x, इसकी जगह पर यहां पर over x divided by 2h cut और साथ क्या होगा ये t आ जाएगा। और इसके साथ रो e into d, नाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 2
एच प्राइम के आई इंटू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसके साथ ये भी लिख लेते हैं जो कांस्टेंट है रो ऑफ ई टी, तो टी को भी इसी के साथ लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय टू एच कट इंटू साइन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स अवर एक्स स्क्वायर साथ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डीएक्स, तो ये किसके इक्वल है, ये बन जाएगा पाई के इक्वल, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे साथ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये पाई के इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर लें पी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, साथ इसको ओपन कर लें फोर एच प्राइम के आई स्क्वायर ओवर टू एच कट इंटू पाई, इसकी जगह पर पाई रो ई इंटू टी, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा टू के साथ, तो यहां पर जस्ट टू ही रहेगा। अब इस इक्वेशन में देखें तो ये लास्ट इक्वेशन से होगी, तो इसको अरेंज करके लिख लें P इज इक्वल टू टू पाई टी ओवर एच कट और साथ एच प्राइम के आई स्क्वायर रो ऑफ ई, इसको ई और लास्ट इक्वेशन इसको एफ का नाम दें। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन जो है तो ये रिप्रेजेंट करेगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर ट्रांजिशंस आउट ऑफ इनिशियल स्टेट्स साई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परटर्बेशंस टाइम टी द ट्रांजिशंस रेट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब इसमें जो ट्रांजिशन रेट होगा द ट्रांजिशन रेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट साई आई इज गिवन बाय, तो लास्ट ट्रांजिशन रेट जो होगा तो उसे हम ये लिखेंगे आर इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, ये ट्रांजिशन रेट होगा आर इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, तो P क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां से डायरेक्ट देख लें इसका जब ट्रांजिशन रेट फाइंड करेंगे तो ये T, तो T का डेरिवेटिव लिए जाएगा इस पे टू T तो 1 हो जाएगा, तो ट्रांजिशन रेट क्या बनेगा R इज इक्वल टू 2 पाई ओवर H कट H प्राइम के I स्क्वायर रो E, इसको इक्वेशन G का नाम। अब ये जो इक्वेशन जी है तो इसे हम के बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को ये भी कहा जाता है दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्मी गोल्डन रूल, तो इसे फर्मी गोल्डन रूल कहा जाता है।